हेलो स्टूडेंट, इसके पहले के क्लास में हमने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ये लेसन स्टार्ट किया था। उसमें हमने टॉपिक देखा था एडिशन। ओके, अब हम सब्सट्रैक्शन शुरू करने वाले हैं। तो एडिशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, हम बैंकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं एडिशन। ओके, सब्सट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम मनी डिपॉजिट करते हैं तो एडिशन करते हैं, और अगर उसी मनी को विड्रॉल करना है तो क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2 इसके पहले के क्लास में देखा है। अब हम सब्सट्रैक्शन ऑफ 7 डिजिट एंड 8 डिजिट नंबर ये देखने वाले हैं। सो उसमें क्या है, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है। इसके पहले के क्लास में मींस 4th क्लास में, 3rd क्लास में हम ये सब बातें पढ़ चुके हैं। ओके, तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड भी है, सिर्फ आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। ओके, उसके बाद हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में का रिलेशन क्या है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ 7 डिजिट नंबर। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 22। ओके, 22 ओपन करो और हम स्टार्ट करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ 7 डिजिट एंड 8 डिजिट नंबर। उसमें हम सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम लिखते हैं फर्स्ट या फिर सेकंड। ओके, कौन सा प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे, फर्स्ट प्रॉब्लम। तो एडिशन करते वक्त मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि हमको ब्लॉक करना है। ठीक है, ब्लॉक्स मतलब रोज एंड कॉलम ड्रॉ करने हैं। उसके वजह से क्या होता है, हम इजीली सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं, तो प्लेस वैल्यू के वजह से हमारे जो नंबर हैं वो अच्छे से उसी प्लेस वैल्यू पे आते हैं, अदरवाइज नहीं आते। क्योंकि हमने इसके पहले के क्लास में देखा था, क्या देखा था, कि नंबर्स लिखे थे लेकिन वो नंबर्स डिफरेंट डिजिट के थे। डिफरेंट डिजिट मतलब पहला नंबर 7 डिजिट का था सपोज, और सेकंड वाला नंबर 6 डिजिट का था। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम आए तो हमारा जो एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो इसके वजह से हमने क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखना चाहिए। प्लेस वैल्यू की वजह से हमारे जो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वो अच्छे से आते हैं। ओके, तो ब्लॉक करो। जैसे मैंने यहाँ पे कितना डिजिट वाला नंबर लिखा है, हाउ मेनी डिजिट, 8 डिजिट है यहाँ पे, आपको जैसे दिख रहा है 8 डिजिट है। ओके, अब हमको सब्सट्रैक्शन फॉलो करनी है, तो ऊपर कुछ तो भी नंबर्स आते हैं, इस वजह से हम क्या देंगे, ऊपर भी एक ब्लॉक निकालेंगे। ओके, इस तरह से क्या करो, ड्रॉ करो। अब हम सब्सट्रैक्शन फॉलो करेंगे, सब्सट्रैक्शन करो 8 माइनस 8, 8 में से 8 गया, कितना बचता है, 0, क्योंकि बोथ और सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू होने के कारण 0 आएगा। 7 में से 8 जाते हैं क्या, नहीं जाते, तो क्या लेंगे हम, एक बोरो लेंगे। सब्सट्रैक्शन में हम बोरो लेते हैं और एडिशन में हम कैरी लेते हैं। ओके, 17 में से 8 जाता है, यस, कितने आएंगे, 9 बचेंगे। ठीक है, ओके, अब एक बोरो लिया था तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा, 5 में से 1 गया 4 में से 2 आंसर इज 2। देन 3 में से फिर से 7 नहीं जाता, तो क्या करेंगे, फिर से एक बोरो लेंगे, यहाँ पे आएगा 13 में से 7 गए, कितने बचते हैं, 6, वेरी गुड। ओके, फिर से एक बोरो लिया था तो उसको कट करो, यहाँ पे कितना आएगा, 7 में से 1 गया 6, वेरी नाइस। देन 6 में से 3 4 में से 2 एंड 9 में से 5 गया, सॉरी 9 में से 4 गया, 5 बचता है, वेरी गुड। इस तरह से हमारा आंसर आया। ठीक है, ओके, इस तरह से हमने क्या की, सब्सट्रैक्शन फॉलो की। इसी तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम भी जो हमने प्रैक्टिस सेट में दिखाए हैं, कौन से प्रैक्टिस सेट में, एक्सरसाइज नंबर 3 में हम फिर से सॉल्व करेंगे। तो उसी तरह से अब क्या लेंगे हम, रिलेशन बिटवीन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में क्या रिलेशन है, हम ये देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमको फिर से एक प्रॉब्लम लेना पड़ेगा, कौन सा, यहाँ पे मैं लेती हूँ 340,260। ओके, ये फर्स्ट नंबर लिया मैंने, माइनस 112,605। तो जैसे आप ये नंबर लिखते हो तो हमको क्या पता है, ये जो हमने नंबर लिखा है तो ऊपर हमेशा ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखनी है, ठीक है, और नीचे
स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखनी है। क्यों लिखनी है? अगर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू ऊपर लिखेंगे और ग्रेटेस्ट वैल्यू नीचे लिखेंगे तो आपकी सब्सट्रैक्शन फॉलो होंगी क्या? सब्सट्रैक्शन का आंसर आएगा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि छोटे वैल्यू में से बड़ा वैल्यू नहीं जाता है। इस वजह से जब हम प्रॉब्लम लिखते हैं तो आपको क्या करना है, जो बड़ी वैल्यू है वो अपर साइड में लिखनी है और नीचे लोअर साइड में छोटी वैल्यू लिखनी है। देन हम रिलेशन देखेंगे क्या आता है। तो जीरो में से फाइव जाता है क्या? नहीं जाता। तो एक क्या लेंगे? बोरो लेंगे। टेन बनेगा, टेन में से फाइव गया फाइव। अभी एक बोरो लिया था तो रिटर्न करना पड़ेगा, यहाँ पे सिक्स में से वन गया, कितना आएगा? फाइव। फाइव में से जीरो, फाइव। क्योंकि अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे जीरो का तो भी वही वैल्यू मिलेंगी, और ऐड भी करेंगे तो भी हम किसी भी नंबर में अगर हमने जीरो ऐड किया या फिर जीरो सब्सट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर वही नंबर मिलता है। ओके, देन अभी हमने बोरो लिया था क्या? नहीं लिया। तो टू में से सिक्स जाते हैं क्या? नहीं जाते। तो क्या करेंगे? फिर से एक बोरो लेंगे, ट्वेल्व। ट्वेल्व में से सिक्स गए, कितने बचते हैं? सिक्स। देन यहाँ पे क्या लिया था? एक बोरो लिया था तो इसको पहले क्या लेंगे? टेन में लेंगे। टेन में से एक गया नाइन। नाइन में से टू, कितने बचते हैं? सेवन। अभी फिर से बोरो लिया था तो कट करना पड़ेगा, फोर में से थ्री, क्योंकि यहाँ पे जीरो था, नंबर था क्या? नहीं था, इस वजह से हमने उसको कन्वर्ट किया था टेन में। ओके, देन थ्री में से वन गया, कितना बचता है? टू। देन थ्री में से फिर से वन गया, आया टू। ये आया हमारा सब्सट्रैक्शन। अभी हम क्या करेंगे? एडिशन परफॉर्म करेंगे। लेकिन जब आप एडिशन परफॉर्म करते हो तब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि एडिशन किसका किसका करना है, जो आंसर आया वो और इस इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू थी वही आपको उन्हीं दो वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, तो चलो ऐड करो। एडिशन करते वक्त फिर से बड़ा वाला नंबर ऊपर लिखेंगे, 2,27,655। सेकंड नंबर है हमारा स्मॉलेस्ट, 1,12,605। अभी एडिशन परफॉर्म करो, 5 + 5 = 10, 1 carry, 5 + 1 = 6, देन 6 + 6 = 12, 12 + 2 = 1 carry, 7 + 1 + 2 कितना आएगा? 10, 10 + 0 = 1 carry, 2 + 1 + 1 कितना आएगा? 4, एंड 2 + 1 = 3। इस तरह से हमने क्या किया, लोवेस्ट नंबर को और आंसर को ऐड किया तो हमको क्या मिला? वही वाला नंबर मिला। ठीक है, जो हमने सब्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया था। मीन्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन दोनों में रिलेशन होता है। अगर आपको चेकिंग करना है कि हमारा एडिशन सब्सट्रैक्शन सही है कि नहीं है तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, रिलेशन देखा बिटवीन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन और एक सब्सट्रैक्शन का प्रॉब्लम देखा। अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3। तब तक आप ये राइट डाउन करो अपने नोटबुक में, हम इसके आगे एक्सरसाइज नंबर 3 देखेंगे। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3 देखने वाले हैं, उसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है। तो 2 में से हम एक लेंगे, एक आप सॉल्व करो। ठीक है, तो कौन सा सॉल्व करेंगे, फर्स्ट या सेकंड? चलो सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। ओके, तो राइट डाउन द प्रॉब्लम क्या है। हमको हर बार प्रॉब्लम क्या करना है, बॉक्स में लिखना है। ओके, बॉक्स में लिखने का कारण मैंने आपको बता दिया। सो फर्स्ट नंबर हमने लिखा तो चेक भी करना है आपको, फर्स्ट नंबर बड़ा है कि छोटा है। ओके ठीक है, तो ये कौन सा है, 5,081,37,550। ये हमारा फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर है 1,000,000, देन 86,748। ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम लेंगे। सो सॉल्व द प्रॉब्लम। जीरो में से एट नहीं जाता तो क्या करेंगे, एक बोरो लेंगे, टेन बना। टेन में से एट गया टू। एक बोरो लिया था तो कट करना पड़ेगा। ठीक है, फाइव का, फाइव में से एक गया, कितना बचेगा? फोर। फोर माइनस फोर ज़ीरो। फिर से फाइव में से सेवन नहीं जाता तो क्या करो, एक बोरो लो, कितना आएगा? फिफ्टीन। फिफ्टीन में से सेवन गया, कितना बचता है? एट। ओके, एक बोरो लिया था, फिर से कट करो, सिक्स।
फिर से 6 एंड 6, 6 माइनस 6 0, देन 3 माइनस 8, फिर से 3, 3 में से 8 नहीं जाता है, फिर से एक बोरो लो 13, 13 में से 8 गया, हाउ मच 5, फिर से एक बोरो लिया था तो यहाँ पे 1 है तो 1 का 11 करो, ओके 11 में से 10 बचेगा, सॉरी बाय मिस्टेक, ओके क्या है 11 है, 11 में से 10, एक बोरो लिया था क्या होगा, ओके 11 बना और एक बोरो लिया था तो 10, 10 जा 1 मिनट, ये प्रॉब्लम मैं फिर से बताती हूँ आपको, आप तब तक इसको राइट डाउन करो। हम फिर से वही प्रॉब्लम देखेंगे, थोड़ा सा गलत हो गया था तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब हम सब्सट्रैक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब बोरो आता है उसमें, तो बोरो में कन्फ्यूजन होता है, जैसे मुझे हुआ वैसे ही आपको भी होता है, तो उसको क्या करना, अच्छे से सॉल्व करना, मन लगा के सॉल्व करना, तभी आप सब्सट्रैक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके फिर से स्टार्ट करेंगे, जीरो में से एट नहीं जाता तो क्या करेंगे, एक बोरो लेंगे, कितना बना जीरो का 10, 10 में से 8 गया, कितना बचता है 2, हमने बोरो लिया था तो रिटर्न करना पड़ेगा 5, एक कट हो जाएगा तो आया 4, 4 माइनस 4 हाउ मच 0, ओके फिर से 5 में से 7 नहीं जाता तो क्या करो, एक बोरो लो 15 हो गया, 15 माइनस 7 हाउ मच 8, ओके यहाँ पे हमने बोरो लिया है तो उसको फिर से रिटर्न करना पड़ेगा तो 6 आया, 6 माइनस 6 0, फिर से 3 माइनस 8 है तो 3 में से 8 नहीं जाता तो क्या करो, फिर से बोरो लो 13 बनाया मैंने, 13 माइनस 8 हाउ मच 5, तो यहाँ पे हमने एक बोरो लिया था तो क्या करो, 1 है 1 कट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 0, 0 माइनस 0 0, देन 8 माइनस 0, इसके पहले के प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था अगर हमको एडिशन करना है 0 में तो भी वही नंबर आता है और अगर सब्सट्रैक्शन करना है 0 0 से तो भी वही नंबर मिलेगा, 8 माइनस 0 8 एंड 5 माइनस 1 4, इस तरह से हमारा सब्सट्रैक्शन आया 4,80,50,802, ओके देन हम सेकंड थर्ड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जैसे आपके टेक्स्ट बुक पे 23 नंबर के पेज पे प्रेजेंट है, ओके तो सेकंड एंड थर्ड प्रॉब्लम लगभग सेम है तो मैंने थर्ड वाला चूज किया, ओके तो क्या करना है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर 1,80,78,975 में, ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि हमको 5,55,55,555 मिले, सो क्या करना है हमको, सोच के बताओ क्या करना है, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है क्योंकि हमको ये वाला ही नंबर चाहिए, तो क्या करो, बड़ा वाला नंबर कौन सा है, सेकंड वाला, उसमें से हमको छोटा वाला नंबर अगर हम निकालेंगे, जैसे मैंने आपको चेकिंग वाला एग्जांपल बताया था उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, ओके तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, आपको ब्रैकेट करना है, अगर मैं ना करूँ तो भी आपको आपके नोटबुक में ब्रैकेट से ही एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सॉल्व करना है, ओके तो पहला नंबर लिखो 5,55,55,555, ठीक है पहला नंबर लिख लिया हमने, अभी सेकंड नंबर 1,80,78,975, सो नाउ वी डू द सब्सट्रैक्शन, तो जो भी नंबर आएगा नीचे वो क्या होगा, अगर हम, मैंने बताया था आपको जो आंसर है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है अगर उन दोनों को हम ऐड करें तो हमको क्या मिलता है, फर्स्ट वाला नंबर मिलता है, तो वही ये वाला वही प्रॉब्लम है जैसे हमने चेकिंग का किया था, तो सेम ही प्रॉब्लम है, आप सब्सट्रैक्शन फॉलो करो आपका आंसर आता है, ओके 5 माइनस 5 0, देन 5 में से 7 जाता है क्या, नहीं जाता तो क्या करो, एक बोरो लो 15 आया, 15 में से 7 गए, कितने बचते हैं 8, देन बोरो लिया था तो हमको रिटर्न करना पड़ेगा 4 आया, ओके 4 में से 9 नहीं जाते तो फिर से क्या करो, बोरो लो, कितना बनेगा 14 बनेगा, ओके अगर इसको यहाँ पे नहीं लिखना है तो इसको राउंड भी कर सकते हैं हम, ऊपर 14 लिख सकते हैं, ओके 14 माइनस 9
कितने बचते हैं? 5। अभी फिर से एक बोरो लिया था तो क्या करो, इसको वापस करो, 4 बचे। ठीक है, तो 4 - 8, फिर से 4 में से 8 नहीं जाता, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, एक फिर से बोरो लेना पड़ेगा। 14 बना, 14 में से 8 गए, कितने बचते हैं? 6। देन यहाँ पे भी फिर से बोरो लिया था क्योंकि ये 5 स्मॉलेस्ट नंबर है, तो एक वापस 4 आया, फिर से 4 में से 7 नहीं जाता, तो फिर से बोरो लो। सेम ही नंबर है, 5 5 है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैं यहाँ पे राउंड कर रही हूँ। ठीक है, 14 में से 7 गए, कितने आए? 7। फिर से हमने बोरो लिया था तो वापस करना पड़ेगा 4। 4 - 0, वही स्टेप 4, क्योंकि 4 में एडिशन की सब्सट्रैक्शन की, आंसर सेम ही आता है। देन यहाँ पे बोरो लिया था क्या? नहीं लिया, तो 5 - 8, 5 में से फिर से 8 नहीं जाता, तो क्या करो, फिर से बोरो लो। 15, 15 - 8 कितना आएगा? 7। ओके, तो यहाँ पे हमने बोरो लिया तो इसको रिटर्न करना पड़ेगा आगे वाले नंबर को, 5 में से 1 गया 4, 4 - 1 हाउ मच? 3। ओके, इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, वही स्टेप अप्लाई कर सकते हैं जो आंसर है उसमें ऐड करके देखो स्मॉलेस्ट नंबर, आपको ये वाला नंबर मिलता है कि नहीं ये आप चेक करो। ठीक है, इस तरह से आपको दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व करने, फोर्थ वो भी सबसेक्शन का है, और आगे वाले 5th and 6th जो क्वेश्चन हैं वो भी सबसेक्शन के, उसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज लेंगे, तो रिव्यू एक्सरसाइज आपको खुद सॉल्व करनी है क्योंकि मैंने आपको एडिशन भी बताया है, सबसेक्शन भी बताया है और वर्ड प्रॉब्लम भी बताया, तो आप ये खुद सॉल्व करो, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो। इसके आगे हम 4th लेसन देखने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।